गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अरुण कंसल एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज एनालिसिस फॉर बिगनर सीरीज के आज के सेशन में। इस सीरीज में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज को विद कॉन्सेप्ट, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो इस सीरीज बिगनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड कर रहे हैं और एज ए न्यूज पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज किया है। तो फर्स्ट न्यूज से स्टार्ट करेंगे। चेयरमैन एंड सीईओ नडेला गेट्स टॉप जॉब एट एमएस ऑफिस। तो सत्या नडेला सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के, आपने कुछ लोगों को पता ही होगा। तो इन्होंने क्या है कि अभी इनको प्रमोट कर दिया गया और अभी चेयरमैन भी हैं। तो चेयरमैन ये पहले कौन थे? तो जॉन डब्ल्यू थॉम्पसन थे पहले के चेयरमैन, अब यही चेयरमैन है और यही सीईओ है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने 2013 में माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन किया था। तो 2013 में माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू था 77 बिलियन और अब बढ़कर वो 2020 में हो चुका है 143 बिलियन। तो ये बेसिकली कुछ क्रेडेंशियल हैं कि सत्य नडेला ने किस बेसिस पे इस कंपनी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट किया। और मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला मैंने आपको 2-3 बार बताया कि नंबर ऑफ शेयर इंटू शेयर प्राइस। तो ये था फरवरी 2014 में आपका 311 बिलियन और अब वो बढ़कर 1.94 ट्रिलियन हो चुका है। तो ये था इनका मतलब बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर, और इसका एक काफी पॉजिटिव रिएक्शन पड़ना चाहिए, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना चाहिए इनके स्टॉक प्राइस के ऊपर। और अगर आपको नहीं पता तो माइक्रोसॉफ्ट यूएस के स्टॉक एक्सचेंज नैसडैक में लिस्टेड है। तो हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट न्यूज के अंदर, तो आगे चलते हैं सेकंड न्यूज के ऊपर। फ्लिपकार्ट कॉमा अमेजोन चैलेंज एचसी ऑर्डर, एचसी मतलब हाईकोर्ट। तो इसके अंदर इन दोनों को ईटेलर्स एक टर्म यूज की गई है। ईटेलर्स का मतलब यही समझ सकते हैं जैसे रिटेलर्स है उसका, ऑनलाइन अगर कोई रिटेल करता है तो वो ईटेलर्स हो जाते हैं। तो इनके ऊपर क्यों केस किया है? सबसे पहले ये समझते हैं कि इन्होंने बोथ द ईटेलर्स आर एलिज्ड फॉर डीप डिस्काउंटिंग एंड बाइज द ट्रीटमेंट ऑफ सेलेक्ट सेलर्स। तो बहुत ही डीप डिस्काउंटिंग, यानी कि जैसे ऐसा होता है कि अगर मार्केट के अंदर कोई चीज 100 रुपीज की मिल रही है तो आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि हर सेलर उसे 100 रुपीज की ही बेचे, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। तो एक एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर इसे एक्सेप्ट किया जाता है। लेट सपोज आप 99 से लेकर के 102 तक बेच सकते हैं, क्योंकि अगर कोई जैसे 99 से कम करेगा तो पूरा मार्केट जो है पूरे बायर्स उसके पास आ जाएंगे। तो एक लिमिट जो है पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर चलती है 99 से 102, ये एक एग्जांपल है, ये कोई ऐसा लिमिट नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक एग्जांपल के बेसिस पे मैंने आपको बताया कि ऐसी लिमिट्स चलती हैं। तो इन्होंने क्या किया, डीप डिस्काउंट देकर ये 99 की जो हमने फिक्शनल लिमिट ली है इससे भी नीचे गिर गए। और लेट सपोज आपने 100 के लिए अगर 97 रुपीज ऑफर कर दिया 100 के प्रोडक्ट के लिए तो सब आपके पास ही आएंगे। तो ये ऐसे डीप डिस्काउंटिंग की वजह से पूरे मार्केट की इक्विलिब्रियम को फर्क पड़ता है। तो डीप डिस्काउंटिंग और बाइज ट्रीटमेंट ऑफ सेलेक्ट सेलर्स। तो सेलेक्ट सेलर्स का यहाँ पे मीनिंग है कि कुछ सेलर्स, जैसे अमेजोन के ऊपर कोई खुद तो सेल करते नहीं अमेजोन, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ सेलर्स इनके ऊपर आते हैं और वो कस्टमर्स को सेल करते हैं गुड्स। तो अमेजोन तो बेसिकली डिलीवरी का लॉजिस्टिक्स का काम प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सेलेक्ट सेलर्स, कुछ उसमें से सेलर्स हैं, जैसे यहाँ पे सेलर्स हैं बहुत सारे, तो उसमें से कुछ सेलर्स को जो है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ही प्रोवाइड करते हैं। तो वही इन्होंने यहाँ पे बताया कि इसी दोनों बेसिस पे इनको अलेज किया गया, इनके ऊपर केस किया गया, और सेम है फ्लिपकार्ट के लिए भी सेम दोनों बातें। तो उन्होंने क्या किया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने इनके ऊपर केस किया है, और सबसे पहले केस चला था कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर, बट अब फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने वहां पे तो केस ही ऑलमोस्ट हार चुके हैं। तो उसके बाद इन्होंने वापस से अलेज किया और ये जाना चाह रहे हैं दूसरे किसी हाईकोर्ट में, और अगर मतलब ये बढ़ता रहा कि तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। तो हमारी जो सेकंड न्यूज है वो कवर्ड है। आगे जाने तो कॉर्पोरेटेड इन दिल्ली पुलिस प्रोब ट्विटर। तो इन्होंने यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एक तब थोड़ा स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं इसको। तो क्या हुआ था कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है संबित पात्रा, ये अगर आपने डिबेट्स वगैरह में देखा हो तो, क्योंकि स्पोक्स पर्सन है तो डिबेट्स के अंदर आते रहते हैं। तो इन्होंने बीजेपी ने ट्विटर ने एक बीजेपी के इस स्पोक्स पर्सन यानी संबित पात्रा के एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया को, यानी कई सारे ट्वीट्स को इन्होंने मैनिपुलेटेड मीडिया के नाम से बताया था कि आप मीडिया को मैनिपुलेट कर रहे हो और आपकी गोदी मीडिया वगैरह कोई कॉन्सेप्ट चलते हैं। जैसे यहाँ पे बताया था कि मोदी का जो इलेक्ट्रॉनिक सेल है आईटी सेल है उसको गोदी मीडिया वगैरह रेफर किया जाता है। तो ऐसा ऐसा कुछ उन्होंने इसके ऊपर बोला था। तो उसके बाद क्या हुआ कि नए आईटी रूल्स आ गए, मैंने आपको कल भी बताया था कि मई 26 तक उनका कंप्लायंस करना था, बट ट्विटर ने अब तक नहीं किया। तो क्या हुआ है कि दिल्ली पुलिस ने इनके ऊपर काफी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है, और इनका जो इंटरमीडियरी का स्टेटस है, इंटरमीडियरी का मतलब होता है कि आप हमने ट्विटर वालों ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रखा है उसके ऊपर कोई भी जो कॉन्टेंट प्रोड्यूसर है वो अपना कॉन्टेंट डाल सकता है, उसको कोई भी मतलब यूजर आप बोल सकते हैं वो एक्सेस कर सकता है। उसमें ट्विटर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो क्या कंटेंट है, मतलब एक बेसिक जिम्मेदारी तो होगी बट उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि क्या कंटेंट है। तो यहाँ पे ये इंटरमीडियरी का स्टेटस होता है, ये सेफ गार्ड करता है बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इंटरेस्ट को, क्योंकि नहीं तो 2 दिन हर 2 दिन में केस होता ही रहेगा। तो ऐसा नहीं होता है, जो प्रोड्यूसर होता है कॉन्टेंट प्रोड्यूसर उसके ऊपर इंस्टेंट केस चला जाता है। तो इंटरमीडियरी का स्टेटस ये लूज कर रहे हैं अगर ये मतलब अपना आईटी रूल्स से कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो यही पूरा न्यूज है इसके अंदर। ये बेसिकली गवर्नमेंट ट्विटर ऑल्सो ऑर्डर्ड ओवर न्यू आईटी रूल्स, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो न्यू आईटी रूल्स हैं वो ट्विटर अलर्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो कंप्लाई कर रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे उन्होंने एक और बात बोली है कि उन्होंने ग्लोबल पॉलिसी पोजिशन, जो पूरे ग्लोब में पॉलिसी चलती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आईटी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, उसको कंप्लाई वो कर रहे हैं अभी भी। तो ये पूरी न्यूज इसके अंदर मैंने कवर कर लिया। और आगे चले तो बैंक्स में ड्रॉप ओवरसीइंग पैनल फॉर क्विकर रेजोल्यूशन। तो इसके लिए थोड़ा सा हम डीप में डिस्कस करेंगे इस बात को। नॉन परफॉर्मिंग एसेट से अपनी बात स्टार्ट करते हैं।
नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात ये होते हैं कि अगर आपने कोई बैंक है, मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बता देता हूँ, कोई लेट सपोज बैंक है, उसने बैंक का एक वन ऑफ द मेन पर्पज होता है लोन ग्रांट करना। तो लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस यूजर जो है या कस्टमर जो है वो रीपे कर देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाता है तो उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं एनपीए के अकॉर्डिंगली, कि मतलब ऐसा लोन्स और एडवांस जो ड्यू हो गए 90 डेज के ऊपर, और 90 डेज की लिमिट आरबीआई ने दिया। 90 डेज अगर लेट्स सपोज आज के दिन, यानी कि 1/1/21, ये मान लो उसकी ड्यू डेट थी कि इस दिन आपको सारे पैसे रिपे करने थे, तो उसके 90 डेज बाद, यानी कि आप मान सकते हैं आपके हो गए 1/4/2021, तो 1 अप्रैल तक अगर आपने पैसे नहीं दिए तो उसके बाद जो बैंक है अपनी बुक्स के अंदर इसको एनपीए रिगार्ड कर देगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट। आप जैसे समझ सकते हैं नाम से भी पता चल रहा है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, ऐसा असेट जो परफॉर्म नहीं कर पाया, जो रीपे नहीं हो पाया। तो ऐसे असेट्स जो होते हैं उसको बैंक्स के उनके ऊपर डीलिंग करनी पड़ती है, कि मतलब कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि वो वसूली, बेसिकली वसूली कह सकते हैं यहाँ पर। तो बैंक्स को वसूली करने के लिए सबसे पहले ओवरसीइंग कमेटी के अंदर जाना पड़ता है, वहां से अप्रूवल लेना पड़ता है कि हम इसके लिए डीलिंग अपनी तरफ से स्टार्ट कर लें क्या। तो ओवरसीइंग कमेटी, यहाँ पे ओसीए का मतलब ओवरसीइंग कमेटी है, जो उसके अंदर हेडलाइन के अंदर भी था। तो आगे चले तो यहाँ पे जो ओवरसीइंग पैनल था, ओवरसीइंग पैनल मतलब ओवरसीइंग कमेटी, यही बात है। तो उन्होंने क्या है कि अब रेजोल्यूशन, इसको रेजोल्यूशन कहते हैं कि आपने कैसे पैसा निकलवाना है, तो उसको रेजोल्यूशन प्लान कहते हैं। तो आगे चले तो बैंक्स, अब बैंक्स को नीड नहीं रहेगी ओवरसीइंग पैनल को ये अप्रूवल लेने की, क्यों क्यों क्योंकि आईबीए, आईबी का मतलब होता है आपका इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ये राइट करेगा आईसीए को, आईसीए के ऊपर, ये आईसीए का मतलब है आपका इंटर क्रिएटर एग्रीमेंट, इसके ऊपर ये जो राइट करेगा, मतलब उसको बोलेगा कि इस चीज को हटा दो, ओसी वाली चीज को हटा दो, ओसी वाले क्लोज को निल कर दो, और अब से बैंक अपनी तरफ से रेजोल्यूशन का जो भी प्लान है वो खुद एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये पूरी न्यूज थी, अगर आपको ये समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देख ले थोड़ी सी। तो ये हमारा कवर्ड है, फोर्थ न्यूज पे चलते हैं। इसके अंदर डीएनओ कवर्स बिगेम कॉस्टलियर एज डायरेक्टर्स लाइबिलिटीज। तो इसके अंदर डीएनओ कवर्स का मतलब होता है कि आपका डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स के कवर, कवर का मतलब इंश्योरेंस, यहाँ पे कवर का मतलब है इंश्योरेंस। तो डीएनओ मतलब डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस, इसके अंदर ये होता है कि आपका जो डायरेक्टर्स, चेयरमैन, सीईओ, जो हायर पोस्ट होते हैं पूरी मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो हायर पोस्ट पे सारे इंप्लॉयज होते हैं वो डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स के, मैं आपको लिख देता हूँ डीएनओ, यहाँ पर कवर्स, डीएनओ कवर्स के अंदर इनको मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है। तो इसके अंदर क्या है कि इनका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है, बट इनके ऊपर जैसे केस वगैरह होते रहते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई भी केस करेगा तो बेसिकली या तो कंपनी के ऊपर एज अ कंपनी होल जो है केस करेगा, या फिर किसी डायरेक्टर के ऊपर, किसी प्रमोटर के ऊपर, एटसेट्रा, इन लोगों के ऊपर केस करेगा, तो इनके ऊपर केस वगैरह होते रहते हैं, तो इनको लॉ सूट के ऊपर बहुत ज्यादा पैसे इनको अपने स्पेंड करने पड़ते हैं। तो इन सब चीजों से रिलेटेड वो इंश्योरेंस लेके रखते हैं, तो इन सब चीजों से इंश्योरेंस लेके रखते हैं। तो इसमें क्या है कि अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है डीएनओ इंश्योरेंस पॉलिसीज कंपनसेट की मैनेजमेंट पर्सनल अगेंस्ट लीगल एक्शंस। तो मैंने आपको बताया जैसे लीगल एक्शन इनके अगेंस्ट होते रहते हैं, तो इसके अगेंस्ट से उसके कंपनसेट करते हैं, कि मतलब वो उसके लिए जो लीगल फीस होती है और कोर्ट की फीस होती है एक्सेट्रा, उन सबको मीट करने में हेल्प करते हैं। रिस्क परसेप्शन राइजेज एज बैंकरप्सी लॉज रेजेस लाइबिलिटीज फॉर डायरेक्टर्स। तो बैंकरप्सी लॉ ने क्या किया है, ये पहले भी होता था, ये अभी नहीं हुआ है खास, कि लाइबिलिटीज डायरेक्टर्स के लिए बढ़ा दी है। सीधी सी बात है, अगर बैंकरप्सी कोई फाइल करेगा तो डायरेक्टर को जो है क्लेम सेटलमेंट करना पड़ता है, तो रिस्क इस वजह से बढ़ चुका है अब, मतलब ये जो डीएनओ कवर्स है इसका, क्योंकि सीधी सी बात है अगर इंश्योरेंस प्रीमियम आप उतना ही रख रहे हो बट रिस्क आपका धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाना ही पड़ेगा ताकि आप रिस्क से मीट कर पाए। तो उसके बाद क्या हुआ है, न्यू कंपनीज एक्ट हैज ऑल्सो टाइटन मैनेजमेंट लाइबिलिटी ड्यूरिंग जेल टाइम इन केस ऑफ फ्रॉड्स। तो न्यू कंपनीज एक्ट ने और सेबी वगैरह ने ये काफी ज्यादा मैनेजमेंट को टाइटन कर दिया, बेसिकली उनको फाइन्स वगैरह ज्यादा देने पड़ेंगे, जो फाइन्स होते हैं और लीगल फीस वगैरह है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ज्यादा देने पड़ेंगे। तो डीएनओ इंश्योरेंस प्रीमियम हैज इंक्रीज अप टू 3 करोड़ फ्रॉम 1.5 करोड़ ऑन एवरेज। तो एवरेज डीएनओ इंश्योरेंस का प्रीमियम 1.5 करोड़ से बढ़कर अब 3 करोड़ पर जा चुका है। तो ये पूरी न्यूज थी कि डीएनओ का इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ चुका है, क्यों बढ़ा है, वो इन 3 रीजंस की वजह से बढ़ा है, यहाँ पे जो 3 बता रखे हैं 1, 2, 3। तो अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बट मैंने इसको जो है पूरा कवर कर लिया। तो दैट्स इट, हमारा जो फर्स्ट जो पेज है वो कवर कर लिया है। इसके अंदर ही फेड इंडिकेट्स अर्लियर रेट हाइक, इसके अंदर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्योंकि इसके अंदर कोई चीज कंफर्म नहीं हो रही है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि एक होता है स्टांस, एक होता है आपका स्टांस, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई गवर्नर है, जैसे आरबीआई का लेट्स सपोज हमारे जो गवर्नर है उनको आरबीआई की पूरी पॉलिसी बनानी, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं उसको, तो उनका कैसा मूड रहता है, क्या उनका स्टांस का मतलब होता है ओपिनियन, तो क्या उनका ओपिनियन है कि कैसी पॉलिसी होनी चाहिए। तो आपके जनरली जो देखे गए हैं स्टांसेस वो 4 तरीके के होते हैं, तो मैं आपको एक बार मैंने पहले भी बताए थे पर मैं आपको फिर से बताता हूँ पूरे डिटेल में। तो वो होते हैं अकोमोडेटिव, डोविश, हॉकिश और न्यूट्रल। ये अगर आपने कई कई एक दो दिन में न्यूज में सुना हो इस पॉलिसी के बारे में, जो यूएस फेडरल रिजर्व से रिलेटेड थी, हमने कल भी कवर की थी, तो ये हॉकिश पॉलिसी है। इसके अंदर सबके अंदर क्या होता है, हॉकिश के अंदर क्या होता है वो मैं बताता हूँ। अकोमोडेटिव के अंदर होता है कि आरबीआई का गवर्नर चाहता है कि स्पेंडिंग ज्यादा हो, स्पेंडिंग ज्यादा हो गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट स्पेंड करेगी तो इकोनॉमी के अंदर पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डेवलपमेंट होगी। तो ये बेसिकली ओपिनियन होता है जो अकोमोडेटिव जो लीडर्स होते हैं, जो अकोमोडेटिव ओपिनियन के होते हैं उनका। डोविश के अंदर होता है आप इंटरेस्ट रेट को घटावे,
इंटरेस्ट रेट को कम कर दे तो लोग कम से कम लोन लेंगे, और जो जितना फंड्स उनके पास है उनको प्रॉपरली यूज करेंगे, एफिशिएंटली यूज करेंगे, वेस्टेज नहीं करेंगे, और अपनी कंपनी जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट होगा। हॉकिश का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दो तो उसके अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, तो उसके अंदर क्या है कि आपका ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा, वही यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा कि पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी पंप होगी और जो इकोनॉमी का ग्रोथ पॉसिबल हो पाएगा। न्यूट्रल के अंदर होता है आपका नो चेंज, कि कोई जैसी पॉलिसी पहले थी वैसी वैसी पॉलिसी बना दो, जैसे टैक्स 10% था तो टैक्स 10% ही कर दो वापस से, आपका जीएसटी अगर 12% है तो जीएसटी 12% ही रहने दो, तो बिल्कुल अगर सेम सेम रखी जाए अगर कोई गवर्नर या कोई पॉलिसी मेकर, तो उसको न्यूट्रल स्टांस का गवर्नर कहते हैं। तो ये पूरी न्यूज थी। अब फेडरल रिजर्व की थी हॉकिश पॉलिसी, इसके अंदर एक चाह रहे थे कि इंटरेस्ट बढ़ जाए, तो इनके गवर्नर थे जो इन्होंने बताया था पूरी पॉलिसी बताई थी, ये उनका जो है जेरोम पॉवेल है, यूएस के फेडरल रिजर्व चेयरमैन है, तो इन्होंने एक पॉलिसी जो है पूरी अनाउंस की थी, और उन्होंने हॉकिश इनका जो है नेचर है, तो अभी तक कोई ऐसा जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक नहीं किया है, यही बेसिकली पूरी न्यूज है, और रीजंस बताए कि क्यों नहीं किया गया। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, और इसको हमने कवर कर लिया। इसके बाद जो फर्स्ट पेज के बाद इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, इसके बाद ये जो प्योर पॉलिटिक्स का सेक्शन होता है इसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, जनरली इसके सेकंड और थर्ड पेज होते हैं, बट आज इन दोनों पेजेस के अंदर एक और पेज है बीच में, ये थर्ड पेज के अंदर कर्नाटक का बैक ऑन ट्रैक, तो ये भी हम स्किप करेंगे, ये भी उसी नेचर का पेज है पूरा, इसके अंदर कोई कौन सा बेस न्यूज नहीं है, तो ये तीन पेजेस जो है पूरे स्किप करें। अगर आपको छोटी सी न्यूज बताता हूँ, 30-30-40 30-30-40 का वेटेज नहीं पता चला है, कल तो क्लास 12th के रिजल्ट के लिए पॉलिसी आई है, इसके अंदर 30% आपके क्लास 12th के बेस्ट 3 of 5 मार्क्स का वेटेज लगेगा, 30% आपके क्लास 11th के मार्क्स, और 40% आपके 12th के प्री बोर्ड, प्री बोर्ड नहीं हुए तो यूनिट टेस्ट आपके या हाफ ईयर टेस्ट, उन सबका वेटेज लगेगा। तो मैंने आपको बता दिया छोटी सी न्यूज इसके अंदर, और आगे चले तो ये अभी प्योर पॉलिटिक्स सेशन है, इसके अंदर कोई मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सी न्यूज है इसके अंदर, ये आईपीओ से रिलेटेड। तो आईपीओ से रिलेटेड कल हमने पूरे इन्वेस्टर्स के क्राइटेरिया को डिस्कस किया था कि कितना क्राइटेरिया होता है क्यूआईबी का, कितना एनआईबी का, रिटेल इन्वेस्टर का और इंप्लॉयज का। तो इसके अंदर भी यहाँ पे इन्होंने एक टर्म तो यही बताई दी है, क्यूआईबी का पोर्शन, रिटेल इन्वेस्टर का पोर्शन, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पोर्शन। दूसरी बात मैं आपको बोलूंगा कि जो ये वाला लिखा हुआ है सारा, इसके अंदर से आप कम से कम 2 लाइन स्टार्टिंग के पढ़ ले, यहाँ तक आप मान सकते हैं, यहाँ तक 2 लाइन तक ये स्टार्टिंग के पढ़ ले, क्योंकि इससे आपकी कुछ टर्म्स से फैमिलाइज होते हैं। इसके अंदर अब आगे डिस्कस करते हैं, ये आईपीओ जो है आज क्लोज हो जाएगा, तो ये आईपीओ है किस कंपनी का, यह डूडला डेयरी है, बेसिकली मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट कंपनी है, इन्होंने क्या है कि इनका जो आईपीओ वो आज क्लोज हो जाएगा। और अब हम थोड़ा सा इसके अंदर प्राइस बैंड से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राइस बैंड आपका सीधी सी बात एक बैंड है, तो उसकी एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है, तो जो लोअर लिमिट होती है आपकी वो होती है फ्लोर प्राइस, फ्लोर प्राइस, एंड जो आपकी अपर लिमिट होती है वो होती है आपकी कैप प्राइस। तो इसका मतलब क्या होता है कि लोएस्ट आप कितने में बिडिंग कर सकते हैं, कि आपको अगर मान लो आईपीओ सब्सक्राइब करना है तो उसके अंदर आप जाओगे तो आप सबसे कम कितने पैसे में इनका एक शेयर खरीद सकते हैं, तो वो होता है फ्लोर प्राइस 421 रुपीज, इनका फ्लोर प्राइस है। और एक होता है कैप प्राइस, कैप प्राइस इनका सबसे हाईएस्ट 428 रुपीज पे चल रहा है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे इनका लॉट एक हम साइज कर लेते हैं, लॉट साइज, तो लॉट साइज का मतलब होता है कि आप मिनिमम नंबर ऑफ कितने शेयर खरीद सकते हैं, तो आप 35 इक्विटी शेयर इनके मिनिमम आप खरीद सकते हैं, और इसके बाद आप मल्टीपल जो 35 में खरीद सकते हैं, यानी कि 70, 105 एक्सेट्रा। तो उसके अंदर अगर आप एकदम, मैं आपको लिस्ट बताऊं कि आपको कितने से इन्वेस्टमेंट इसके अंदर स्टार्ट करना होगा, तो 35 × 421 अगर हम करते हैं तो आता है आपका 14735, 14735 से लेकर के अगर आप 35 × 428 करते हैं जो कि इनका कैप प्राइस है, तो ये आता है आपका 14980। तो ये पूरा इनका रेंज है, अगर आपको इसका एक शेयर मतलब एक लॉट परचेज करना है जो कि मिनिमम वैल्यू है, तो आपको 14735 मिनिमम एंड 14980 मैक्सिमम पे परचेज करना होगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, इसके अंदर ये आज क्लोज हो जाएगा ये भी बता दिए, और आगे चलते हैं। तो कंपनीज परस्यू सेक्शन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, बट आज इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये टाइम्स इंटरेक्ट और एड्स वगैरह से पूरा भर रखा है इसको, और इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आई है। तो एक ही इसके अंदर न्यूज है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, टोयोटा डील विद सुजुकी बोट्स इंडियन आर्म सेल्स। तो इसके अंदर टोयोटा ने सुजुकी के साथ डील किया है, ये बेसिकली ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री के अंदर ये डील्स होती रहती है, कि ये किससे रिलेटेड न्यूज है, डील है कि इसके अंदर आप स्पेयर पार्ट्स शेयरिंग टेक्नोलॉजी और जो आपके टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि कोई ऑडियो सिस्टम, कोई टायर्स, कोई हेडलाइट्स वगैरह के सिस्टम, तो ये सब जो होगा वो अब टोयोटा सुजुकी से, मारुति सुजुकी से आउटसोर्स करेगा। तो मोर देन 50% ऑफ द प्रोडक्ट्स जो भी मैन्युफैक्चर करेगा टोयोटा, इसके अंदर काफी ज्यादा स्पेयर पार्ट्स लगेंगे आपके सुजुकी के। तो यहाँ पे ये पूरी न्यूज थी, और ये मैं आपको बता दूं कि ये डील जो थी वो 3 साल पहले 2018 के आसपास ही हो चुकी थी, और अब ये इन्फोर्स हुई है, मतलब बेसिकली तभी इन्होंने ये बोल दिया था कि 2021 से अब इनएक्ट करेंगे ये डील को। तो ये पूरी न्यूज थी, मैंने आपको इसके अंदर कवर कर लिया, और ये एड्स हैं पूरे इसे को स्किप करेंगे, और अराउंड द वर्ल्ड इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं होती है, एक और आईपीओ की इसके अंदर पूरी न्यूज है, पर ये इससे पहले छोटी सी न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। यूईएफए आस्क्स यूरो 2020 टीम्स टू स्टॉप रिमूविंग स्पॉन्सर्ड बॉटल्स। तो अगर आपने कल देखा हो कि रोनाल्डो ने जो है कोका कोला की बॉटल्स को जो है रिमूव कर दिया था अपनी यूरो 2020 की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, अगर आपने मीम्स वगैरह देखे तो इसके ऊपर काफी चल रहा था। तो इसके अंदर क्या है कि उसकी वजह से यूएस की जो पूरी इकोनॉमी है उसको 4 बिलियन का लॉस हुआ है, क्योंकि जो है कोका कोला की जो टोटल वर्थ है उसमें से 4 बिलियन लेस हो गए हैं कल, और माना जा रहा है कि वो सोलली इस बेसिस पे ही हुए हैं। तो ये पूरी हमने डिस्कस कर लिया, और आगे चलें तो
किम्स किम्स का आईपीओ मैंने आपको परसों भी बताया था, ये भी आज के दिन क्लोज हो जाएगा। 2 से 3 दिन ही बेसिकली आईपीओज ओपन रहते हैं, तो 3 दिन ये में दोनों आईपीओ क्लोज हो रहे थे, और ये फ्राइडे है जैसे कि आज, तो वेडनेसडे को दोनों ओपन हुए थे, आज क्लोज हो जाएंगे। तो इसके अंदर मैंने आपको अभी बताया था कि कैप प्राइस क्या होता है, फ्लोर प्राइस क्या होता है। तो अब आपको फॉर्मेट करना है, 815 825 इनका प्राइस बैंड है, तो इसके अंदर कौन सा कैप प्राइस है, कौन सा आपका फ्लोर प्राइस है, तो वो आपको कॉमेंट करना है डिस्क्रिप्शन कॉमेंट बॉक्स में। तो आगे चलते हैं, ये पूरा कवर कर लिया हमने सेक्शन, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन स्टार्टअप एंड टेक, इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, इसके अंदर आगे चलते हैं, इसको स्किप करेंगे। और ईटी मार्केट का सेक्शन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, इसके अंदर मैं आपको बताया कि अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीपेन करना है तो ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आधे पेज के तो इनके अंदर तो ऐड है, बट दो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है इसके अंदर। केरलाई लाम में सेल 5.1% इन एसबीआई कार्ड फॉर 682 बिलियन। तो इसके अंदर एक कंपनी का नाम आ रहा है, बेसिकली दो कंपनी का नाम आ रहा है, हम दोनों डिस्कस करते हैं। बेसिकली अगर आप कोई भी न्यूज पढ़े तो उसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टर्म या कोई कंपनी का नाम, सबसे पहले आपको वो ढूंढना चाहिए, उनसे रिलेटेड आपको जो भी पता चल सके आप पहले वो पता करें, फिर आप उस न्यूज के अंदर क्या हुआ है एक्चुअली वो आप जानने की कोशिश करें। तो एसबीआई कार्ड्स का मतलब है वो कंपनी, एसबीआई की वो आपकी सब्सिडरी जो आपके क्रेडिट कार्ड्स मैन्युफैक्चर करती है और डील करती है क्रेडिट कार्ड्स के सेक्शन के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, केरलाई लाम, केरलाई लाम का बेसिकली मीनिंग है यहाँ पर, केरलाई एक कंपनी है, यूएस का प्राइवेट इक्विटी फंड है, प्राइवेट इक्विटी फंड। तो बेसिकली आप इसको मान सकते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट फॉर्म है, इसकी एक सब्सिडरी एक कंपनी है, उसका नाम है सीए रोवर होल्डिंग्स। तो केरलाई लाम सीए हो गया, केरलाई लाम रोवर होल्डिंग्स, तो ये कंपनी है, इन्होंने क्या किया हुआ है, इनके पास शेयर है एसबीआई कार्ड्स के अंदर 5.1%, 5.1% जो इसके अंदर शेयर है, और इनका जो टोटल वर्थ है इसकी 682 मिलियन बनती है, 5,000 करोड़। तो ये इसको सेल करने का प्रपोजल लाए कि मतलब इसको सेल करेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे एक टर्म यूज की हुई है, एक और ब्लॉक डील। तो ब्लॉक डील का मतलब होता है आपका वन वे ट्रांजेक्शन, वन टाइम ट्रांजेक्शन सॉरी। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी वैल्यू ऑफ द जो ट्रांजेक्शन है वो 50 करोड़ से प्लस होनी चाहिए। तो 50 करोड़ से प्लस और वन टाइम ट्रांजेक्शन होते हैं आपके ब्लॉक डील। तो ये हमने डिस्कस कर लिया ब्लॉक डील का कॉन्सेप्ट। और जनरली अगर कोई ऐसी कंपनी सेल करती है बल्क में शेयर्स को, तो उसको डिस्काउंट पे सेल करना होता है, क्योंकि उससे क्या है कि कोई मतलब जो मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि फिर तो क्या ही फायदा है कि कोई मार्केट से सीधा ही अपने शेयर्स को परचेज कर सकता है। तो सेलर को आपके डिस्काउंट पे बाय करना, सेल करना होता है शेयर्स को। तो यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, 4.7% के डिस्काउंट पर जो है सेल कर रही है कंपनी, और उसका प्राइस बन रहा है 1002 से लेकर 1041 तक, तो पर शेयर बेसिकली। तो ये हमने कवर कर लिया। आगे चले तो इंडिया ऑयल कुड मूव आउट, डीमार्ट इन्फो एज में ज्वाइन द निफ्टी इन सेप्टेम्बर। तो निफ्टी मैंने आपको जैसे कि बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा, अगर आपने को पता, अगर आपको नहीं पता निफ्टी के बारे में, तो आप छोटा हूँ बड़ी बात का सेकंड एपिसोड देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने काफी डिटेल में बताया निफ्टी सेंसेक्स और बेसिस पॉइंट सिस्टम के बारे में। तो इसके अंदर क्या है कि निफ्टी को रिन्यू, निफ्टी के अंदर बेसिकली होती है 50 कंपनीज जो एनएससी सिलेक्ट करता है। तो ये 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज होती है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे होती रहती है कंपनीज, तो ऐसी कंपनीज को निफ्टी आगे निकाल सकता है और डाल सकता है अपने निफ्टी सेंसेक्स के अंदर 3 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने के, हर 3 महीने रिव्यू होता है और देखा जाता है कि निफ्टी के अंदर कोई कंपनी को चेंज करने की जरूरत है या नहीं। तो होती है तो चेंज किया जाता है, कई बार चेंज होता है। तो अब यहाँ पे एक प्रपोजल है, मतलब बेसिकली इनका प्रेडिक्शन है कि इंडिया ऑयल जो अभी निफ्टी के अंदर है वो बाहर जा सकता है सेप्टेम्बर के अंदर। ये बेसिकली 3 महीने के अंदर रिन्यू करते हैं, तो आपका हो गया ये फर्स्ट रिन्यू करेंगे अप्रैल में, जून जून में, फिर जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर में। तो सेप्टेम्बर में अब जो ये चेक करेंगे और रिन्यू करने की, मतलब अगर कुछ करना होगा तो करेंगे, तो उसको उस इंडिया ऑयल मूव आउट कर सकता है और उसकी जगह आएंगे डीमार्ट या फिर इन्फो एज। तो यहाँ पे बेसिकली बताया हुआ है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इन्फो एज 110 मिलियन ड्रॉ कर सकता है अपने इन्फ्लो से, और एवेन्यू सुपर मार्ट 140 मिलियन ड्रॉ कर सकता है। अब एवेन्यू सुपर मार्ट क्या है कि वो डीमार्ट की ओनिंग कंपनी है। तो अगर आपको नहीं पता है, तो इनके ओनर है राधा कृष्ण दमानी, तो ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर इनको बोला जाता है, मतलब राकेश झुनझुनवाला आपने सुना होगा, तो वैसे ही एक जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर है दोनों है, तो राधा कृष्ण दमानी और राकेश झुनझुनवाला। तो इसके अंदर एक और ये सेक्शन है अमोंग टू ट्रेड्स, इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छे ये जोक बेस से, मीम बेस से बताते हैं कि कैसे आपको अवेयर रहना चाहिए। और ये एमसीएक्स, एमसीएक्स मतलब होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, पब्लिश करता है इस बात को। तो ये बेसिकली अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर ये इसको हम स्किप करते हैं और आगे चलते हैं, रेलिगेयर प्लान से 2,000 करोड़ आईपीओ फॉर केयर होल्डिंग्स। तो इसके अंदर यहाँ पे बताया कि यहाँ पे 2,000 करोड़ का आईपीओ प्लान कर रहे हैं, इसके अंदर कोई भी जो है कंफर्म नहीं हो रही है न्यूज़। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि क्यों जो अपना आईपीओ रेस करेंगे, क्या उससे जो मनी रेस करेंगे उससे क्या करेंगे एक्सेट्रा। तो हमारा जो ऑलमोस्ट कवर्ड है, और ये जो मैं स्किप कर रहा हूँ पेजेस, उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज नहीं है, अगर होती है तो मैं कवर कर लेता हूँ। तो ये कोविड-19 इंपैक्ट, ये कोविड-19 से पूरा रिलेटेड सेक्शन होता है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। बेसिकली आप स्किप का मतलब होता है अपनी थोड़ी लीस्ट प्रायोरिटी पर रखें, अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। तो आगे चलें तो इसके अंदर द एडिटोरियल पेज है, इसके अंदर द बिग सेंसेक्स डिस्कनेक्ट, ये मुदार पथेरिया का आर्टिकल है एडिटोरियल। इसके अंदर बेसिकली ये हुआ है कि काफी टाइम के बाद, बहुत ही टाइम के बाद सेंसेक्स ने फॉल किया काफी ज्यादा, और निफ्टी ने भी फॉल किया। निफ्टी हालांकि इतना फॉल भी नहीं है, बट ये फॉल बोला जाएगा क्योंकि 15,700 के आसपास जो है निफ्टी कल क्लोज हुआ था। तो ये पूरी न्यूज थी, इसके अंदर मैंने डिस्कस कर लिया। इट इज अ हायर क्लास एक्ट, ये रमेश पोखरियाल जी का एडिटोरियल है, और अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। ईटी पर आगे का सेक्शन होता है कि आपको जो अवॉइड करना चाहिए, बेसिकली मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आपको लीस्ट प्रायोरिटी में रखें, क्योंकि इसके अंदर सोशल ट्रेंड से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्सेट्रा, इन सबसे रिलेटेड जो है पूरी न्यूज होती है। तो ये दैट्स इट हमारा जो कवर है, ये लास्ट पेज पे पूरा एक पेज में जो ऐड है, तो ये तो सीधी सी बात है स्किप करेंगे। और
दैट्स इट, हमारा जो न्यूज़पेपर कवर्ड है पूरा का पूरा, और मैं जो इसकी पीडीएफ है पूरी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक कर दूंगा, आपको कोई भी सब्सक्राइब वगैरह करने की जरूरत नहीं है। और जो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप का जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा या हमारे अबाउट सेक्शन के अंदर भी मिल जाएगा, तो उसके अंदर क्या है कि हम डिस्कशन करते रहते हैं न्यूज़ के ऊपर पूरी दिन के अंदर, जो भी न्यूज़ चलती है स्टॉक मार्केट के, कुछ रेट बढ़ते गिरते हैं तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे डिस्कशन उसके अंदर होते रहते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि कल मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि मैं उसके अंदर पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूँ, उसके अंदर सारी पीडीएफ आपको एट वन प्लेस मिल जाएंगी, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बेसिकली नहीं मिलेंगी। उसके अंदर आपको एक चैनल का लिंक मिलेगा, उस चैनल का आपको ज्वाइन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उस चैनल को जब भी आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तब रेफर कर सकते हैं, उसका चैनल का ग्रुप ऑल टाइम आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर रहता है। तो दैट्स इट, हमारा जो है न्यूज़पेपर कवर्ड है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।